नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते इस वक्त की खास खबरों का। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में घरौनी प्रमाण पत्र वितरित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि हम सब प्रधानमंत्री के आभारी हैं, उनके निर्देशन में अप्रैल 2022 से यह कार्यक्रम शुरू हुआ और कहा कि 23 लाख परिवारों को घरौनी प्रमाण पत्र देने का कार्यक्रम पहले हो चुका है, आज 11 लाख लोगों को दिया जा रहा है। वहीं सीएम ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से 34 लाख लोग ऐसे हैं जिनके नाम पर अपना पट्टा होगा। उन्होंने कहा कि पहले कभी कोई दबंग मकान पर कब्जा कर लेता था तो गरीब को मकान कब्जा नहीं मिल पाता था। जमीन का विवाद ऐसा है कि जब शुरू हो तो अदालतों में पीढ़ियां केस लड़ते बीत जाती हैं। अब जमीन का सर्वे फीता नापकर नहीं, ड्रोन से सर्वे किया जा सकता है। वास्तव में हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके प्रयास से पूरे देश के अंदर अप्रैल 2020 में ग्रामीण आवासीय अभिलेख उपलब्ध कराने का एक अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। और ये केवल एक कार्यक्रम नहीं था, इसमें तकनीक भी है और इसमें हर गांव में रहने वाले व्यक्ति को उसकी जहां पर उसका मकान है, पुश्तैनी मकान है, उस मकान की जमीन का अभिलेख उसके नाम पर नामांतरण करते हुए उसका मालिकाना हक उपलब्ध कराने का भी एक अभियान है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में अब तक 34 लाख से अधिक परिवारों को घरौनी वितरण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आज संपन्न होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी जा रहे हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी प्रस्तावित दौरे से पहले 2 दिवसीय दौरे पर सीएम काशी में रहेंगे और इस दौरान समीक्षा बैठक करेंगे और अक्षय पात्र फाउंडेशन के द्वारा बना किचन का भी निरीक्षण करेंगे। आपको बता दें कि अक्षय पात्र फाउंडेशन एक गैर लाभकारी संगठन के साथ भागीदारी की है। साझेदारी का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता परियोजनाओं, रसोइयों, सहायकों की क्षमता निर्माण और स्कूली भोजन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। जी, मैं विक्रांत मोहन अक्षयपद फाउंडेशन से, और यहाँ पे अक्षयपद का किचन बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। जैसा आप सब लोगों को पता है, आज मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा इसका निरीक्षण किया जाएगा, तत्पश्चात प्रधानमंत्री योगी जी मोदी जी द्वारा इसका शुभारंभ होगा। खबर लखनऊ से है, जहां 1975 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पूरे भारत में 25 जून के दिन आपातकाल लागू किया था, जिसके आज वर्षगांठ है। उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि इमरजेंसी लोकतंत्र की हत्या थी, जिसमें विपक्ष के सभी नेताओं को तत्कालीन सरकार द्वारा मिशा एक्ट लाकर जेल भेजा गया था। इस दौरान मिशा एक्ट में बंद किए गए लोगों को सूबे के उपमुख्यमंत्री ने सम्मानित किया और साथ ही मौजूद बुजुर्गों से अपील की कि आप नई पीढ़ी को इमरजेंसी के बारे में बताएं। कैसरगंज के भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान वो दिवंगत पूर्व विधायक सूर्यभान सिंह के आवास पर पहुंचे और परिजनों से शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सूर्यभान सिंह उनका करीबी रिश्ता था, लिहाजा परिजनों को उन्होंने आश्वस्त किया कि हर सुख दुख में वो उनके साथ खड़े हैं। वही सांसद ने अग्निवीर योजना पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मेरा समय गुजर गया है, अगर आज भी मुझे मौका मिले तो सब कुछ छोड़कर 4 साल के लिए अग्निवीर की ट्रेनिंग के लिए तैयार हूँ। आज स्वर्गीय हो गए सूर्यभान सिंह जी से हम लोगों के हमारे बड़े अच्छे संबंध थे और हमने भी बहुत संघर्ष किया है और ये संघर्षशील व्यक्ति था इनका, और जब भी हमारी मुलाकात हुई है तब इन्होंने हमारा बहुत मनोबल बढ़ाया। जब जब हम परेशानी में रहे, जब भी मिलते थे तो हमारा मनोबल बढ़ाते थे। आज हम लोग उनके शोक में आए हैं, भगवान उनके आत्मा को शांति दे, और परिवार से यही मैंने कहा है कि भाई कभी भी कोई भी ज़रूरत अगर हमारे लायक पड़ती है, हम लोगों लायक पड़ती है, तो अपना भाई जान करके, परिवार जान करके हमेशा संपर्क में रहें। हरदोई में डीसी मनरेगा शासनादेश की अवहेलना कर गई और वर्षों में जमे तकनीकी सहायकों का तबादला नहीं कर रहे और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम कर रहे। ब्लॉक स्तर पर कुछ तकनीकी सहायकों के नियम विरुद्ध एक से अधिक न्याय पंचायत आवंटित है, जबकि शासनादेश है कि विषम परिस्थितियों में एक से अधिक न्याय पंचायत आवंटित की जा सकती है, लेकिन वह न्याय पंचायत आवंटित न्याय पंचायत के करीब होना चाहिए।
खबर वाराणसी से है, जहां 25 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से घरौनिया का लोक भवन सभागार डिजिटल भौतिक वितरण लखनऊ में किया गया। वहीं कार्यक्रम में वाराणसी से 2 लैंड ओनर के लाभार्थियों को मुख्यमंत्री योगी जी ने घरौनी वितरण किया। इस दौरान जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि लैंड ओनर के जमीन को सर्वे कराया गया था, जिन्हें स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को खतौनी वितरण किया गया। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत ये बहुत रिवोल्यूशनरी काम पूरे देश में, प्रदेश में और जनपद में शुरू हुआ है कि जो गांव की आबादी होती है उस आबादी की भी लोगों को खतौनी की तर्ज पे घरौनी का लैंड रिकॉर्ड बना के वितरित किया जाए। ये कार्य पूरे ज़िले में लगभग 1 वर्ष से चल रहा है। ड्रोन सर्वे के माध्यम से हमारे लगभग 90% गाँव का कार्य पूरा हो चुका है। अब जो कुछ एयरपोर्ट के आसपास के गाँव हैं वो बचे हैं। जितने भी गाँव के कार्य पूरे हो गए हैं उनमें 40,000 से ज़्यादा परिवारों की घरौनी जनरेट हो चुकी है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लखनऊ में राज्य स्तरीय कार्यक्रम करके घरौनी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जिसमें जनपद के भी 2 लैंड ओनर्स हैं वो शामिल हो रहे हैं। लाइव उनको वहां पे घरौनी का वितरण हुआ है। अलीगढ़ के धर्म समाज महाविद्यालय में बीए फर्स्ट सेमेस्टर फीस लेने के बाद क्लास नहीं चलाने और दूसरे सेमेस्टर की फीस जमा कराने के विरोध में छात्रों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के वीसी का पुतला फूंका। और छात्रों की मांग है कि दूसरे सेमेस्टर की फीस जमा कराने पर कॉलेज प्रशासन क्लास चलाकर शिक्षण कार्य को सुचारू कराए। मांग नहीं पूरा होने पर छात्र सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। आज धर्म समाज महाविद्यालय के तमाम छात्रों ने आगरा बीसी का पुतला फूंका है। इसका एक ही उद्देश्य है कि जो आगरा बीसी का जो तानाशाही रवैया है उस पर या तो वो लगाम दें, अन्यथा की स्थिति में जिला अलीगढ़ का समस्त छात्र बल उग्र आंदोलन करने पर बाध्य होगा। उन लोगों ने प्रथम सेमेस्टर के रुपए अलग से लिए, द्वितीय सेमेस्टर के रुपए अलग से लिए। जब क्लास बंद है तो मेरे छात्र किस बात से पैसे देंगे? यहाँ पर जितने छात्र पढ़ते हैं किसी के पिताजी अड़ानी अम्बानी नहीं है, प्रत्येक छात्र के पिता किसान हैं। और उन लोगों को सोचना चाहिए कि किसानों से किस प्रकार से वो कर की तरह वसूल रहे हैं। जो सेकंड ईयर के जो छात्र वर्ग है उसे अगर दोबारा अगर फीस वसूली जाएगी तो हमारा बस एक ही मांग है इस विषय को लेकर के कॉलेज में फिर से दोबारा क्लास चली जाए अगर फीस ली जाएगी। अगर फीस नहीं ली जाती है तो इस विषय को लेकर के हम एक भी छात्र वर्ग पूरे जिला प्रशासन पूरे जिला का कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे फीस देने के लिए बाकी नहीं होगा। खबर शाहजहांपुर से है, जहां मेजबान होटल के पास नगर निगम ने वैश्य शिरोमणि दानवीर भामाशाह की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना शामिल हुए। और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वैश्य शिरोमणि दानवीर भामाशाह के जीवन परिचय का पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आज ये कार्यक्रम सभी धनाढ्यों के लिए एक प्रेरणा है। आज का ये कार्यक्रम सभी धनाढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है। जितने भी धनाढ़ शाहजहांपुर में हैं कि उनका आदरणीय भामाशाह जी ने एक रास्ता दिखाया, इतिहास में अपना नाम अमर किया, इसलिए कि उन्होंने महाराणा प्रताप के और हमारे सेना की 17 साल तक मदद की। राठौर जी इसलिए यहाँ पर स्थापित शहर में स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की और सदर जहांगीराबाद खुर्जा समेत पहासू में अवैध क्लिनिकों और पैथोलॉजी लैबों पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की। इस दौरान अवैध दुकानों को एसीएमओ ने सील कर दिया। वहीं एसीएमओ का कहना है कि अनियमितता व गैर पंजीकरण के चलते लगभग 14 अवैध क्लिनिक और लैबों पर सीलिंग की कार्रवाई की और 12 लोगों को नोटिस दी गई। साथ ही आगे भी स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई जारी रहेगी। कई जगह पर हमने कार्रवाई कराई है, जैसे जंगीराबाद में, पहासू में, शहर में भी कार्रवाई हुई है, खुर्जा एरिया में भी कार्रवाई हुई है और काफ़ी क्लिनिक्स को और पैथोलॉजी लैब वगैरह को सील भी किया गया है और कई जगह नोटिस भी दिए गए हैं। कितने अभी तक ऐसे क्लिनिक अभी रिसेंटली पिछले 3 दिनों में करीब 17 तारीख में हम गए थे, हमारे डॉक्टर साहब नोडल अधिकारी 22 में गए, फिर 24 में गए, तो उसमें करीब 14 जगह पर हमने जो है सील करने की कार्रवाई करी है और करीब 10-12 जगह पर नोटिस भी दिए गए हैं। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, डीएम के माध्यम से राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। फतेहपुर में केंद्र सरकार की सेना में भर्ती को लेकर आई नई योजना अग्निवीर के विरोध में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने डीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए अग्निवीर योजना को जल्द ही वापस लेने की मांग की है।
गाजियाबाद के जस्सेपुरा इलाके में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल मच गया जब कुछ युवक में जमकर चाकूबाजी होने लगी, जिसमें दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि दोनों युवक इंस्टाग्राम यूज करते हैं। इसी दौरान इंस्टाग्राम पर ही उनकी अन्य युवकों से किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई, जिसके बाद दोनों ही पक्ष कोटवाली घंटाघर क्षेत्र के जस्सेपुरा इलाके पर पहुंचे और वहां पहुंचते ही पीड़ित दोनों युवकों पर अन्य युवकों ने चाकू से हमला बोल दिया। आनन फानन में घायल लोगों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। इंस्टाग्राम पर बस इसका मैसेज आया, पहला हाय, मैंने हाँ बता, बस मैंने ये बोल दिया। अच्छा। फिर इनने कुछ गाली बकी, मैंने तो क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है मुझसे, इनने गाली वाली बक्के नो के तेरा मुल्ला के यूँ करवा दूँ वो करवा दूँ। फिर क्या हुआ, कहाँ पे आइए आए थे, कैसे? हम यहाँ पे आए थे MNG के बाहर, फ़ोन आया था कि इनकी लड़ाई हुई थी तो वहाँ पर हम मौजूद थे उस टाइम। फिर पहुँचे तो कैसी हालत थी इनकी? वहाँ पर जब पहुँचे हम बस खाली क्या नाम है जूस वाले बराबर में खड़े थे, तो उन्होंने फील्डिंग से बेचारे मतलब चार पांच लोंडे अलग अलग साइड में घूम रहे थे, तो तुरंत ही आए छुरी लेकर आए, आते के साथ ही तुरंत ही दो जनों को मार दी बिल्कुल। यहाँ इंस्टाग्राम पर इनकी आपस में कोई युवकों की बात हुई है, दो युवक कैला भट्टा के रहने वाले हैं, वो उनको बुलाया गया जस्सीपुरे मोड़ पर, और उन्हें बुलाते ही कुछ साथ ही किस्म के लोगों ने छुरियाँ बजानी शुरू कर दी, जिससे कि वो लोग घायल हो गए और यहाँ अस्पताल में उनका उपचार हुआ है। फर्स्ट स्टेज देकर इनको रेफर कर दिया गया GTV के लिए और इनकी हालत ज़्यादा सीरियस है। आज लगभग 2 बजे थाना कोतवाली को सूचना मिली कि जस्सेपुरा कट के आसपास दो पक्षों में आपस में विवाद हुआ है, जिसमें कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को चाकू से वार करा है। इसमें पूछताछ में हमको पता लगा है कि ये लोग इंस्टाग्राम पर आपस में एक दूसरे से पहले बातचीत कर रहे थे और उसी के बाद इन लोगों ने जस्सेपुरा पर मुलाकात करके इनमें आपस में चाकूबाजी की घटना हुई है। इसमें जो घायल हैं उनको तुरंत ही उपचार हेतु MG अस्पताल लेकर गया है एवं इनको अभी दूसरे अस्पताल इनको रेफर करा गया है, और जो भी दूसरा पक्ष है उसको हम तुरंत पकड़ने के लिए हमने टीमें बना दी हैं। जल्दी इसमें जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है करके हम आप लोगों को सूचित करेंगे। अब तक की खास खबरों में इतना ही, देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।